दोस्तों बहुत ज्यादा मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे ऑडासिटी के प्लगइन्स के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए प्रॉपर। दोस्तों आज से हम ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम हर एक प्रॉपर प्लगइन्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम एक प्लगइन्स के बारे में जानेंगे, ऐसे ही अगली वाली वीडियो के अंदर हम दूसरे प्लगइन्स के बारे में जानेंगे। तो आज की जो वीडियो है एक प्लगइन की डिटेल वीडियो होने वाली है। दोस्तों अगर अभी तक चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्साहो। तो दोस्तों चलते हैं अपने ऑडासिटी की स्क्रीन के ऊपर और फिर मैं आपको बताता हूं कहां से ये डाउनलोड करना है, किस तरीके से आप इस प्लगइन्स को अपने ऑडासिटी के अंदर ऐड करेंगे, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये आ गए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको वर्जन अपने ऑडासिटी का। अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर 2.1.2 है और ये मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा ओल्ड वर्जन है, क्योंकि ये विंडो 8.1 में यही सपोर्ट करता है। और जितना भी प्रोसेस है वो सारा सेम ही प्रोसेस रहेगा, सारी वीडियोस में सेम रहने वाला है, सारे ऑडासिटी के वर्जन में वैसे ही काम करेगा ये प्लगइन जैसे कि इसमें काम कर रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा पूरा क्या है इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी वॉइस को लेकर आना है, और अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे कि सैंपल के तौर पर मैं आप लोगों को एक सॉन्ग रिकॉर्ड करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद आप किस तरीके से अपनी सिंगिंग की वीडियोस में इसको अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने माइक अपना कनेक्ट कर रखा है, इसमें मेरी आवाज इस टाइम रिकॉर्ड हो रही है और अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो देखिएगा ये खामोश हो जाएगा, तो देख ही सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक सॉन्ग को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है जो मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, आपने शायद सुना होगा, लेकिन ये अंतरा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा अपने जो रिकॉर्डिंग का बटन है उसको हिट कर दूंगा तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये अपने कुछ आशार अंतरे को रिकॉर्ड कर लिया है, अब देखते हैं इसे सुनकर ये किस तरीके का आता। तो मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, आप लोग भी अपने हेडफोन लगा लीजिए ताकि आप लोग भी इसको ठीक से प्रॉपर तौर पर सुन पाए। माइक को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से मेरी आवाज़ को सुनाई दे। तो चलिए दिखाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है। तो दोस्तों ये एक मेरा सैंपल था, मैंने ऐसे ही एक नॉर्मली गाना गा दिया है। शायद आप लोगों ने ये इसकी जो तर्ज है वो पहले ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सॉन्ग एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ये आपने सुना होगा ज़रूर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इस तरीके का एक सैंपल हमारे पास में आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से पहले नॉइस रिडक्शन करेंगे हम लोग, और नॉइस रिडक्शन के लिए आपको स्टार्टिंग जो पार्ट होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि उसमें जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके अंदर जितना भी जो शोर शराबा होता है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है कोई सा भी माइक हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यहाँ से इतना सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इफेक्ट में जाएंगे, और इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन, यहाँ पर आप आएंगे यहाँ, और ये हमने इसे बता दिया है सॉफ्टवेयर को कि इस तरह की जो भी आवाज़ है वो इसमें से रिमूव हो जानी चाहिए। फिर से अगेन इसी ऑप्शन पर जाएंगे हम नॉइस रिडक्शन के अंदर, और अब की बार में हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों, हमें करना है ओके पर। तो हमारे पास में जितनी भी इस तरीके की वॉइस थी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी। अब इसे एक दफ़ा और सुनकर देखते हैं। तुम साथ ना दो मेरा वेरी गुड,
अभी हमने अपने सैंपल के अंदर कुछ भी नहीं किया है, हमने क्या किया है कि अपनी जो भी नॉइस थी उसको हमने सिंपली रिमूव कर दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं छोटे मोटे, अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा पार्ट जो है मैं साइलेंट कर दूंगा इस तरीके से। आप कंट्रोल एल भी दबा सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये काम मैं आप लोगों को कैरोके के साथ इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि जब भी मैं कैरोके के ऊपर इसे प्ले करूँगा तो समझ लीजिए कि मेरे पास कॉपीराइट आ जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ सकती है, मेरे मोनेटाइजेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें अगर बात करें कंप्रेसर की, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें कंप्रेसर, और कंप्रेसर लगाएंगे ही आगे कंप्रेसर, जो सेटिंग इसमें आपको दिख रही है वही आपको रखनी है। तो सिंपली मैं इस पर ओके पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद इसमें थोड़ी सी जो वेव्स है आपके उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। अब इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ नहीं करने वाला ज़्यादा, अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि जो मेरा, तो दोस्तों ये वैलहेला सुपर मैसिव की तरफ से आने वाला एक बहुत ही अच्छा आपका डीले और रिवर्ब का सबसे बढ़िया प्लगइन है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है आपको। मैं बताऊंगा आपको कहां से डाउनलोड करना है ये। तो आइए सबसे पहले इसे चेक करते हैं। देखिए यहां पर ये जो आपकी नॉब्स दिखाई दे रही है इनमें आपको कुछ छिड़काई नहीं करनी है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। मैं बता देता हूं आपको डिफॉल्ट, देखिए इस तरीके कुछ दिखाई देगा। आपको सिंपली क्या करना है, हमें दो नॉब्स के साथ खेलना है, एक तो ये वाली नॉब डीले की और एक ये मिक्स। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं इधर की साइड से, इस तरीके से उठा के लेकर आएंगे, और डीले को भी मैं थोड़ा सा यहां पे बिल्कुल जीरो कर देता हूं। अब अगर हम प्ले करके देखते हैं तो हमारा सैंपल क्या कहता है, जरा सुनते हैं। तुम साथ ना दो मेरा, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों आप अपने कान के अंदर हेडफोन जरूर लगा लीजिए ताकि आप जो आवाज़ इधर उधर हो रही है आपको वो प्रॉपर पता चल पाएगा कि किस तरीके की आवाज़ हमें यहां से आउटपुट में लेनी है। तो यहां पर देखिए आप अगर से गौर से सुनेंगे तो आप देखिए, चलना मुझे आता है, आप देख रहे हैं आप आवाज इस तरीके से जा रही है, इस कान से इसमें इसमें इसमें। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने हेडफोन को पहनेंगे। अब यहाँ से हम डीले को थोड़ा थोड़ा इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं 57 के आसपास रख रहा हूँ। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता। अब देख रहे हैं आप इस आवाज के अंदर एक इको जो रिवर्ब है उसके अंदर से एक अलग से एक्सटेंशन ऐड हो गया है जो कि सुनने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही मैं डीले की इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं, मान लीजिए 140 के आसपास अगर मैं रखता हूं, और अगर अब हम सुनकर देखते हैं तो देखिए कैसा आता है। तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कितना इफेक्ट होता है हमारी आवाज़ के अंदर जब भी हम अपनी आवाज़ में कोई एक्सटर्नल प्लगइन ऐड करते हैं, यानी कि हम कुछ भी इसमें, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे आपका वैलहेला ये वाला हो, कोई भी जो भी होता है उसका एक अलग ही नशा, एक अलग ही टेस्ट आता है। अब मैं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये WARP क्या है। अब जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे सुनिएगा इसे, और मैं यहीं से सुनाता हूँ आपको, फिर देखते हैं। तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से। देख रहे हैं आप जो बैकग्राउंड की जो पीछे से गुंजार आ रही है ना, उसको ये रोकने का यानी काटने का काम करेगा। जितना आप इसे ऊपर बढ़ाएंगे आपकी गुंजार को कम कर देगा, और जितना इसको जीरो पर रखेंगे उतनी हाईएस्ट आपकी जो इकोसिस्टम है, जो भी आपका रिवर्ब है, वो बहुत देर तक बजेगा। अब आप इसे ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ। देखा आप लोगों ने, जैसे ही मैंने इसे जीरो की तरफ किया आपकी गुंजार वापस आ गई है, और जैसे ही हम इसे 100% की तरफ करेंगे वहां से हमारी गुंजार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर वर्ब का ये काम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फीडबैक की। फीडबैक क्या है, अब इसे प्ले करते हैं और उसके बाद देखिएगा, आप सुनते रहिए और मैं आपको एक एक नॉब्स का मतलब बताता रहूंगा यहाँ पर ताकि आपको पता चले। जैसे मिक्स है तो मिक्स में अगर हम बात, तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है,
हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। मिक्स का काम क्या है, आपकी जो इको है उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम करती है, यानी कि जो भी आपके रिवर्ब लग रही है यहां पर उसको ये और ज्यादा टाइम देगी, और ज्यादा एंटर देगी। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो आपके लिए, वो 30 के आसपास आप इसको रखिएगा, आपकी वॉइस, सिंगिंग की वॉइस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा ये। तुम साथ ना दो मेरा। ओके, तो दोस्तों यहां पर आपको इस नॉब्स को कोई काम नहीं है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। उसके बाद फीडबैक की तरफ देखते हैं। तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता। तो दोस्तों फीडबैक का काम क्या है, ये आपके रिवर्ब को एक गुना, दो गुना, तीन गुना कर आपको रिपीट करता रहेगा, बार 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 बार। तो इसलिए हम इसको 50% के आसपास रहने दीजिए। तो दोस्तों इस प्लगइन को अगर आप सिंगिंग के रिलेटेड अगर इसको आप यूज करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक नॉब आपको मिक्स का छेड़ना है, एक आपको डीले का छेड़ना है, इसके अलावा आपको कोई भी नॉब्स को यहाँ पर छेड़ना नहीं है। और जितना डीले आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपकी रिवर्ब या इको बढ़ेगा, जितना डीले आप घटाएंगे उतना रिवर्ब और डीले आपका घटेगा। तो ये बहुत सिंपल सा एक प्लगइन है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और किसी भी सॉन्ग के लिए ये आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, खासकर ऐसे सॉन्ग जो स्लो बीट पर होते हैं, जैसे कि ये सॉन्ग है ये बहुत ज्यादा स्लो है, तो रिवर्ब भी उसी के अंदर अच्छा लगता है जो हमारा स्लो सॉन्ग होता है। अगर आप फास्ट सॉन्ग किसी रैप के अंदर आप इसको लगाते हैं तो वो आपका बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ना ही सुनने में अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लगा है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं कि आखिर ये मिलेगा कहां। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि कहां मिलेगा आपको, तो ये वाली वीडियो देख लीजिए। मैंने ये वीडियो पहले ही बना रखी है, इसमें मैंने सारे प्लगइन्स के बारे में बता रखा है कि कहां से डाउनलोड होंगे, किस तरह से आपको अपने ऑडासिटी के साथ इसको ऐड करना है। तो इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने के मिलेगा। फिर पर्टिकुलर मैं वीडियो लेकर आ ही रहा हूं, हर प्लगइन्स के बारे में आपको मैं सिखाता रहूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी आवाज को एनहेंस करना है, अच्छा करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।